अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शायदा समर। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं लोबिया और कीमे का सालन। और यहाँ पॉट के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाला हुआ है और मैंने इसको गर्म करके, और यहाँ पर मैं एक प्याज डालूंगी और प्याज तो मैंने पीस लिया था। अब हम इसको लाइट गोल्डन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन कर दिया और अब मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करूंगी। और दो मैंने यहाँ पर तेजपात ऐड किए और मैंने इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड किया और 2 टेबलस्पून मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर 3 टमाटर है मेरे पास और इनको भी मैंने पीस लिया था और अब हम इनको ऐड करेंगे। बहुत ही मजेदार सा और रिच सा हम इसका मसाला बनाएंगे। और आज हम बना रहे हैं कीमा और व्हाइट लोबिया। ये देखेंगे, अब हम ड्राई मसाले इनमें ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून में ऐड करूंगी सूखा धनिया। और 1 टीस्पून में हल्दी ऐड करूंगी। और 1 टेबलस्पून में डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। और 1 टेबलस्पून में ऐड करूंगी सफेद जीरा पाउडर। और 1/2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक हम बाद में चेक कर लेंगे और अभी हम कम यूज करेंगे। और 1/4 टीस्पून मेरे पास है जायफल जावित्री का पाउडर। और हम सारी चीजों को अच्छी तरह भून लेंगे। और 1 टेबलस्पून में ऐड करूंगी कसूरी मेथी। और इस मसाले को अच्छी तरह हम भून के फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं 1/2 केजी ऐड करूंगी मटन का कीमा। और हम मसाले को और कीमे को अच्छी तरह भून लेंगे। और यहाँ पर कीमे और मसाले को हम बहुत अच्छी तरह भून लेंगे क्योंकि कीमा हमारा कच्चा था और हमें बहुत ही अच्छी तरह इनको भून लेना है। चलें जी, हमने मसाले को और कीमे को बहुत अच्छी तरह भून लिया। और यहाँ पर 1 गिलास डाल के और मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने रख दूंगी ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह गल जाए। और उसके बाद हम इसमें लोबिया ऐड करेंगे। चलें जी, अब हम इसको ढक के रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर कीमे को हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये गल चुका है अच्छी तरह। और यहाँ पर मेरे पास है व्हाइट लोबिया, 1 कप लिया है मैंने। ये ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो हम इनको ऐड करेंगे और हमारी डिश हो जाएगी मजेदार सी कीमा लोबिया बिल्कुल रेडी। ये देखें, ये हो गया। और ऊपर से मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 3 से 4 मिनट पका के और मैं इसको डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी।